बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले मंगल को सीएम ऑफिस से तमाम एमपीएस को ये मैसेज किया गया कि आज प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर असेंबली में ना तो वजीर कानून मौजूद होंगे और ना ही कोई बिल लाया जा रहा है, लिहाजा आप इजलास में शिरकत ना करें। ये बड़ी अजीब सी बात थी। प्राइवेट मेंबर डे हुकूमत तो हमेशा चाहती है कि ये पूरे जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत खुद ये कह रही है कि आप प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर ना आए। बाद में पता चला कि पंजाब असेंबली से मेंबरान को कॉल्स जाना शुरू हो गई कि आप असेंबली में शिरकत जरूर करें। बिल भी था और वजीर कानून भी थे। उसके बाद फिर दोबारा सीएम ऑफिस से ये मैसेज आना शुरू हुए कि आप पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा ये वहां जरूर मौजूद रहें, वहां पे अहम तरीन कानून साजी होगी और उसमें आप अपना हिस्सा लें। दूर दराज का 8-8, 9-9 घंटे का सफर करके एमपीएस जब वहां पहुंच गए तो पता चला कि इजलास जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अगर सीएम ऑफिस के, पंजाब असेंबली के, या यूं कहूं पंजाब असेंबली के और पंजाब हुकूमत के आपस में कोई मामलात चल रहे हैं, एक इजलास बुलाता है, दूसरा हटा देता है, दूसरा बुलाता है, पहला हटा देता है, तो वो अपने मामलात आपस में बैठ के हल करें। अराकीन पंजाब असेंबली को घंटों की मुशक्कत और घंटों का सफर करवाने के बाद असेंबली के दरवाजे से ये कह के वापस न भेजे कि आज इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा।